बाय लोकेशन। स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो देन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स जेड। बिलोंग्स का सिंबल स्टूडेंट्स बिलोंग्स मीन्स एन की जो वैल्यू स्टूडेंट्स है वो इंटीजर से आ रही है, मतलब जो आप एन की वैल्यू पुट करोगे वो क्या पुट होंगे स्टूडेंट्स इंटीजर्स पुट होंगे। मीन्स यहाँ पर डेसिमल वाली जो वैल्यूज हैं वो एन की प्लेस में पुट नहीं होंगे। तो ये हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। सिमिलर स्टूडेंट्स अगर कॉस थीटा क्या हो जाए स्टूडेंट्स जीरो हो जाए देन थीटा इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ये मैंने विद प्रूफ बताया था स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि साइन जो जीरो होता है स्टूडेंट्स साइन थीटा जीरो जीरो डिग्री पे होता है और पाई के मल्टीपल्स पे होता है। मीन्स अगर हमारे पास क्वाड्रेंट है तो इस लाइन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन पे साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स जीरो होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल होते हैं वो पाई के मल्टीपल्स होते हैं, जीरो टू पाई पाई थ्री पाई एंड फोर पाई अप टू सो ऑन स्टूडेंट्स। मीन्स इवन इवन इनटू पाई दिस साइड ऑड इनटू पाई दिस साइड। मीन्स ये जो कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट्स ये इस लाइन पे साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स जीरो डिग्री। सिमिलरली वर्टिकल लाइन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स टेंथ क्लास तक हमने पढ़ा है कि साइन जीरो डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स जीरो। सिमिलरली स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन की बात करते हैं कॉस जीरो किस कौन सी लाइन पर होता है स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन पे, और वर्टिकल लाइन पे जो एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो पाई बाई टू होते हैं, नेक्स्ट होता है स्टूडेंट थ्री पाई बाई टू, नेक्स्ट वन होता है स्टूडेंट्स फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू अप टू सो स्टूडेंट्स। इस तरीके से जो है ये एंगल्स प्रोसीड करते रहते हैं, और इन एंगल्स में एक खास बात ये है स्टूडेंट्स कि पाई बाई टू के मल्टीपल्स हैं, हर एक एंगल में क्या है स्टूडेंट्स पाई बाई टू मल्टीप्लाई है, और पाई बाई टू के आगे जो नंबर है स्टूडेंट्स वो कौन सा नंबर है ऑड नंबर, कौन सा नंबर स्टूडेंट्स ऑड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये सारे क्या है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 मीन्स पाई बाई टू, और इस लाइन पे कॉस क्या होता है जीरो डिग्री होता है, कॉस थीटा क्या होता है इस लाइन पे जीरो वैल्यू की मतलब। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, टेन किस लाइन पे जीरो होता है आपको बता दो स्टूडेंट्स, टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस थीटा। अगर हम 10 को 0 बोल रहे हैं स्टूडेंट्स तो डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स? रीजन ये, अगर मैंने 2 बाई 0 ये 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स, नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स। नॉट डिफाइंड फॉर्म इसलिए होते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक लॉजिक है, ये यहाँ पर ही कह रहे हैं स्टूडेंट्स 2 को 0 से डिवाइड करना स्टूडेंट्स। अब ये बताओ स्टूडेंट्स अगर मैं लिखता हूँ कि 6/2 तो आप इसका आंसर क्या दोगे 3, कैसे आया स्टूडेंट्स ये, क्योंकि हमने 2 को 3 टाइम्स ऐड किया तो क्या आया आंसर 6 आ गया। यही मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स डिवाइड करने का, मीनिंग ये हुआ कि हमने 6 को कितने में ब्रेक कर दिया 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो 1 पार्ट की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि 2 बाई 0 मीन्स हम जो है 2 को कैसे ब्रेक करें, 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स में, इसका मीनिंग ये बना स्टूडेंट्स कि 2 को हमें डिवाइड करना है, किस पार्ट में डिवाइड करना है 0 के पार्ट में। जैसे यहाँ पर क्या लिया था फर्स्ट हर एक पार्ट में क्या लिया था स्टूडेंट्स 2, ऐसे यहाँ पर 0 से डिवाइड करें तो हर एक पार्ट में क्या लेंगे 0। आप बताओ जीरो को आप कितनी बार भी ऐड करो क्या 2 आंसर आएगा, नहीं आएगा स्टूडेंट्स 2 आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हम जो इसका आंसर कई बार क्या बोलते हैं इन्फिनिटी के इक्वल बोल देते हैं कि भाई आप इस जीरो को इनफाइनाइट टाइम्स अनकाउंटेबल टाइम्स इसको ऐड कर दो
जीरो तो भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स। और अदरवाइज हम ये भी बोलते हैं कि ये जो है जो हम क्वांटिटी है हमारे पास है 2/0, ये नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। इसलिए हम जो है डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो ये सिचुएशन बन जाएगी स्टूडेंट्स, जो कि पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताओ क्या कॉस जीरो हो सकता है? कॉस जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉस जीरो हो गया स्टूडेंट्स तो फिर ये फॉर्म बन जाएगा स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड। तो जीरो कौन होगा स्टूडेंट्स? साइन थीटा। कौन जीरो होगा स्टूडेंट्स? साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू अभी लिखी स्टूडेंट्स वहां से, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा तो स्टूडेंट थीटा क्या होगा? एन पाई। मीन्स अगर टेन जीरो है तो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? साइन पर डिपेंड कर रहा है, और साइन क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। तो इसीलिए जो है टेन की वैल्यू भी क्या होती है स्टूडेंट्स? थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता हमारे पास स्टूडेंट्स कॉट। स्टूडेंट्स बताओ कॉट क्या होगा? कॉट होगा स्टूडेंट्स कॉस बाय साइन। क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉस बाय साइन। अभी बताओ किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? की जीरो के इक्वल था, हमने जीरो के इक्वल है। क्या साइन जीरो हो सकता है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर पार्ट का भी जीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली कौन जीरो होगा स्टूडेंट्स? कॉस थीटा जीरो होगा। कौन जीरो होगा स्टूडेंट्स? कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। अभी होगा स्टूडेंट्स अगर कॉस थीटा जीरो है तो अभी सॉल्व करके लाए थे, थीटा क्या होगा? टू एन प्लस वन पाई बाई टू, क्योंकि कॉस कौन सी लाइन में जीरो होता है? इस वर्टिकल लाइन। तो इसलिए यहां से कॉट का जो आंसर है वो भी क्या आएगा? टू एन प्लस वन पाई बाई टू। क्लियर स्टूडेंट्स? ये लॉजिक समझ आ गया आपको। अब स्टूडेंट्स सिकेंट के लिए मैंने आपको बताया था सिकेंट होता है 1 बाय कॉस, सिकेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 बाय कॉस थीटा। क्या ये क्वांटिटी जीरो हो सकती है स्टूडेंट्स? ये जीरो कब होगी स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, और न्यूमरेटर में कौन है स्टूडेंट्स? 1 है, तो 1 ऑब्वियसली जीरो के इक्वल होगा ही। 1 क्या जीरो के इक्वल होगा स्टूडेंट्स? नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये 1 बाय कॉस है ये कभी भी जीरो आंसर नहीं गिवन करेगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स टाइप नंबर 2। क्या स्टूडेंट्स टाइप नंबर 2 में? अगर स्टूडेंट्स ऐसा लिखा जाए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो आपने बताया था 1/2 या फिर आप √3/2 लेके चल पड़ते स्टूडेंट्स, √3/2, क्योंकि 1/2 हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया। तो √3/2 कितना होता है? साइन पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री मीन्स 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने इस एंगल को किससे ड्रॉ किया था? अल्फा से नोट किया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किसे नोट किया, इसको अल्फा से नोट किया। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन फॉर्म हो रही है स्टूडेंट्स वो कौन सी फॉर्म हो रही है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसके नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस निकाले थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई थ्री होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इसका आंसर आएगा, अगेन फर्स्ट में, सेकेंड में, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके जो आंसर आएंगे स्टूडेंट्स वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि √3/2 पाई बाई थ्री पे नहीं होता, और भी एंगल्स हैं जिन पे √3/2 आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब जैसे इसको आप फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट करिए, जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या स्टूडेंट्स? पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपने बताया आंसर कितना? पाई बाई थ्री। मैंने एक आपको एक पिक्चर बनाई थी, ये होता है स्टूडेंट जीरो प्लस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, दिस वन इज टू पाई माइनस अल्फा, ये पिक्चर बनाई थी स्टूडेंट्स। अब ये एंगल फर्स्ट में हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन तो पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन जो पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो
जो आप सेकंड क्वार्टर में एंगल लिखोगे स्टूडेंट्स वो क्या लिखोगे, पाई माइनस अल्फा। तो इसका जो एक आंसर होगा वो पाई माइनस अल्फा में स्टूडेंट्स पाई बाई थ्री। तो एलसीएम का स्टूडेंट्स कितना है, थ्री, थ्री पाई माइनस पाई में स्टूडेंट्स टू पाई बाई थ्री, मीन्स इसका आंसर एक क्या होगा, टू पाई बाई थ्री होगा। अगेन स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वार्टर में जाओगे, फर्स्ट क्वार्टर में जीरो होता है, टू पाई होता है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, टू पाई प्लस अल्फा, टू पाई प्लस अल्फा। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को हमने एक सिंगल जनरल नोटेशन लिखना है, एक जनरल फॉर्मूले लिखना है, जिसमें हम एन की वैल्यू पुट करें और हमारे जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे फाइंड आउट हो जाए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। जो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्म होगी स्टूडेंट्स या इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो यही फॉर्म होगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। अभी तक हमने जो स्टूडेंट्स फाइंड आउट किए थे वो साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो के लिए फाइंड आउट किए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स वो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसके लिए हम जो है जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करें। अगर आप इस साइन अल्फा को स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट्स देखो प्रूफ करना हमें जरूरी है क्योंकि वो फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको प्रूफ समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला जो है क्रैम करने में ईजी रहता है, अगर आपको फॉर्मूले का प्रूफ नहीं पता है तो फॉर्मूला जो है इजीली क्रैम नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो वहाँ पर आप प्लस माइनस की मिस्टेक जरूर करोगे। अगर आपको फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो फॉर्मूला इजीली याद होगा, डेफिनेटली याद होगा। तो प्रूफ कराने का रीजन ही ये है कि जिससे कि आपको फॉर्मूला इजीली याद हो जाए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये साइन थीटा माइनस साइन अल्फा होगा, तो ये दिस वन एंगल इसको हम सी एज्यूम कर लेते हैं, इसको एज्यूम क्या करते हैं स्टूडेंट्स डी एज्यूम कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, साइन सी माइनस साइन डी। और स्टूडेंट्स साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या था हमारे पास, साइन सी माइनस साइन डी ये होता है स्टूडेंट्स टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस है तो क्या आएगा पहले फर्स्ट कॉस है, माइनस के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कॉस आता है, तो ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी मीन स्टूडेंट्स थीटा प्लस अल्फा बाई क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकाल के ला रहे हैं। अगर हमें ये फॉर्म दी हो, कुछ भी इक्वेशन दी हो, तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म होगी तो उसके लिए हम जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये बताओ टू तो उधर जाके फिनिश हो जाएगा जीरो के साथ, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, ये टू जो है इस साइड जाके फिनिश हो जाएगा जीरो के साथ, डिवाइड होगी जीरो साथ डिवाइड होगी फिनिश होगी। अब स्टूडेंट्स दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, ये दो क्वान्टिटीज हैं और दोनों की क्या स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन, जीरो के इक्वल स्टूडेंट्स, तो या तो फर्स्ट वन जीरो वन या फिर सेकेंड वन जीरो वन, ऐसे होता है स्टूडेंट्स। अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई जीरो इक्वल है तो आइदर फर्स्ट वन इज जीरो और सेकंड वन इज जीरो। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो आ जाए और हो सकता है स्टूडेंट्स क्या आ जाए, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये कंप्लीट एंगल स्टूडेंट्स, क्या ये कंप्लीट एंगल, इसको आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कॉस थीटा एज्यूम कर सकते हो या कोई भी एंगल एज्यूम कर सकते हो स्टूडेंट्स, ए एज्यूम कर सकते हो या बीटा एज्यूम कर सकते हो। मीन्स मेन मोटिव क्या है कि यहाँ से फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर कॉस का जो एंगल है
कॉस में जो भी एंगल है वो किसके इक्वल हो जाए स्टूडेंट्स, जीरो इक्वल हो जाए। आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट, अगर आप इस कंप्लीट एंगल को एक बार के लिए थीटा ज़ूम कर रहे हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो पढ़ने में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो अब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो के केस में स्टूडेंट्स थीटा जो है, थीटा कौन है मतलब जो एंगल है, थीटा प्लस अल्फा बाय टू। यहाँ से स्टूडेंट्स थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, टू एन प्लस वन पाई बाय टू, क्योंकि कॉस जीरो जो है वो कौन से एंगल्स के लिए होता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू के लिए होता है स्टूडेंट्स। ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स, जो एंगल है वो टू एन प्लस वन पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा इस आइडेंटिटी से। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टूडेंट्स ये देखो, ये भी कंप्लीट एक एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है स्टूडेंट्स। तो साइन में जो भी एंगल है वो जीरो इक्वल है, साइन में जो भी एंगल है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, जीरो इक्वल। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन पाई इक्वल, थीटा मीन स्टूडेंट्स थीटा क्या, थीटा माइनस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू एन पाई। क्लियर स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पर लिखाया था एन किसमें बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, इंटीजर से बिलोंग करता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो टू है इससे टू से कैंसिल आउट कर दूंगी, सिमिलरली स्टूडेंट्स ये जो टू है ये वहां चला जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये फॉर्म क्या आ रहा है, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई। नेक्स्ट वन वाज स्टूडेंट्स थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू एन पाई। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, थीटा की। जब भी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए फाइंड आउट करते हैं थीटा की। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी टू एन प्लस वन पाई माइनस अल्फा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन यहाँ से आएगी स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस टू एन पाई प्लस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से रिलेशन लेना स्टूडेंट्स, ये कौन सा नंबर होता है हमारे पास, टू एन प्लस वन। दो टाइप्स के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, इवन नंबर है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स क्या है, इंक्लूड हो रहे हैं, ऑड भी और इवन भी। और स्टूडेंट्स एक बात और यहाँ पर है कि ये जो माइनस साइन है किस केस में आ रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑड के केस में, और प्लस जो साइन है वो इवन के केस में आ रहा है स्टूडेंट्स। आप बताओ यहाँ पर अगर मैंने लिखा है माइनस वन पावर टू एन, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, वन आएगा, राइट है या रॉन्ग स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स इवन के केस में, क्योंकि पावर क्या है इवन, आप एन की जो मर्जी वैल्यू रख लो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। और माइनस वन की पावर इवन तो क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, प्लस। और अगर स्टूडेंट्स ऐसा लिखा हो 2n plus 1, तो 2n plus 1 is n odd number, आप n की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो आंसर क्या आएगा, odd। और माइनस वन की पावर स्टूडेंट्स अगर odd है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस वन। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी बताओ स्टूडेंट्स ये जो अल्फा है क्या इस अल्फा के साथ में माइनस सॉरी वन इंटू अल्फा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहाँ पर जो प्लस अल्फा है स्टूडेंट्स इसके साथ में क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं वन इंटू अल्फा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है माइनस वन है, यहाँ पर क्या है प्लस वन है। देखो स्टूडेंट्स माइनस वन किस में था स्टूडेंट्स, आप बताओ माइनस वन जो था स्टूडेंट्स किस केस में था, ऑड के केस में, और प्लस जो है स्टूडेंट्स वो इवन के केस में। तो अगर मैं यहाँ पर इस माइनस वन को स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूँ, इस माइनस वन को 2n प्लस वन पाई माइनस वन की प्लेस में, माइनस वन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस वन पावर 2n प्लस वन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने माइनस वन की प्लेस पे क्या पुट कर दिया स्टूडेंट्स, इस माइनस वन की प्लेस पे, इस कंप्लीट माइनस वन की प्लेस पे स्टूडेंट्स मैंने क्या रख दिया है, उसकी वैल्यू रख दी है ये वन वैल्यू, और साथ में क्या स्टूडेंट्स अल्फा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई
ये स्टूडेंट्स क्या है, प्लस वन है, और प्लस वन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, माइनस वन टू द पावर टू एन इंटू अल्फा, ये है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देख रहे हो स्टूडेंट्स कि ऑड के लिए तो ये है, इवन के लिए ये, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखो स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, अगर इन दोनों को मुझे कंबाइन करके लिखना स्टूडेंट्स, तो इस कंबाइन इन दोनों की कंबाइन फॉर्म जो होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, इन दोनों की जो कंबाइन फॉर्म होगी वो यही होगी ना स्टूडेंट्स, माइनस वन पावर एन, माइनस वन पावर एन इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, मैं इसको नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, जो है यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो इसको नीचे लिख देते हैं। इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स मैं दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो दोनों को कंबाइन इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स मैं, कि माइनस वन टू द पावर एन इज इक्वल्स टू वन एन माइनस वन। स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करना कि प्लस वन तो कब आएगा, जब n क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, और स्टूडेंट्स यहां पर माइनस कब आएगा स्टूडेंट्स, माइनस वन आएगा इफ n इज ऑड। क्लियर हो स्टूडेंट्स कि भाई हमने 2n और 2n प्लस वन को एक सिंगल n में रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमें दोनों को कंबाइन करना था तो मैंने यहाँ n लिख दिया। अब n कोई भी एक नंबर हो सकता है और नंबर में दो टाइप के नंबर्स होंगे, या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो अभी बताओ अगर इवन रखा तो इवन मैंने ये इंक्लूड कर लिया, इवन में जो है वो ये इंक्लूड कर दिया और ऑड में ये इंक्लूड कर दिया। क्लियर हो स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ पर 2n प्लस वन ऑड है और 2n इवन है, 2n प्लस वन ऑड है और 2n इवन है, दोनों को कंबाइन करके लिखना स्टूडेंट्स, तो क्या लिख दूंगा मैं, एन लिख दूंगा जैसे यहाँ पर लिखा था कंबाइन करके, तो जो कंबाइन सॉल्यूशन आया स्टूडेंट्स वो ये आया कि यहाँ पर एन पाई आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो अगर आप एन की प्लेस पे इवन रखते हो तो ये चला जाएगा, ऑड रखते हो तो इसमें चला जाएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दोनों का कंबाइन फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट प्लस, और दोनों ही कंबाइन फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों के लिए जो कंबाइन फॉर्म है स्टूडेंट्स, इन दोनों के लिए कंबाइन फॉर्म क्या थी, यहां से ये वाली फॉर्म थी, माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा। क्लियर हो स्टूडेंट्स, तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है मैंने यहां पर, और साथ में हम क्या लिख देंगे, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर। देखो स्टूडेंट्स अगर आप एन की वैल्यू वन रखते हो तो वन रखते ही वो कहां चला जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर इसमें चला जाएगा, और अगर आप क्या रखते हो एन की वैल्यू टू रखते हो तो वो आंसर कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि इवन के लिए ये था ऑड के लिए ये, आप पुट करके देख सकते हो स्टूडेंट्स, जब आपने यहाँ टू रखा स्टूडेंट्स, एन की प्लेस पे क्या रखा स्टूडेंट्स, टू, तो टू पाई, और ये माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू रखा एन की प्लेस पे क्या रखा, टू, टू पाई प्लस माइनस वन पावर टू, माइनस वन पावर टू कितना होता है स्टूडेंट्स, प्लस, तो ये टू पाई प्लस अल्फा हो जाएगा जो कि यही वाली फॉर्म स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 रख दोगे तो इवन है तो 2 पाई प्लस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इवन है तो ये वाली फॉर्म है, ऑड है तो ये वाली फॉर्म, दोनों को कंबाइन करके लिखना स्टूडेंट्स में, ये कंबाइंड सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है, अगर ये प्रूफ समझ में आ गया तो इजीली आप याद कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो अब इसको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ग्राफ क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे कि ये फॉर्मूला कैसे है। देखो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम ये था, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में स्टूडेंट्स ये जो लाइन थी मैंने आपको बताया था कि ये किसकी मल्टीपल्स थी, पाई की मल्टीपल्स थे स्टूडेंट्स। अब पाई में इवन एंड ऑड, देखो स्टूडेंट्स ये जो एन था, एन पाई लिखा हुआ है, इस एन पाई में ऑड भी आएंगे इवन भी आएंगे, जो ऑड आएंगे वो इस साइड से जाएंगे, इवन आएंगे वो इस साइड से जाएंगे, और फंक्शन कौन सा हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, आपको ही पता होगा स्टूडेंट्स ये यहाँ पर अल्फा जो था वो प्लस था, और प्लस कौन से होता है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में,
अब ये बताओ स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं 0 प्लस अल्फा आंसर भी गिवन कर सकता हूँ एंड नेक्स्ट वन 2 पाई प्लस अल्फा आंसर भी गिवन कर सकता हूँ 4 पाई प्लस अल्फा गिवन कर सकता हूँ आंसर जितने भी इवन पाई है सारे यहाँ चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखना है तो मैं पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ 3 पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट वन 5 पाई माइनस अल्फा। आप स्टूडेंट इस फॉर्मूले पुट के भी देखो आप अगर यहाँ 1 पुट करते हो स्टूडेंट्स तो 1 पाई एंड माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1 कितना होगा स्टूडेंट्स माइनस 1 होगा तो ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स पाई माइनस अल्फा है। क्या है स्टूडेंट्स पाई माइनस अल्फा एन की वैल्यू 1 रखने पे देखो आ गया स्टूडेंट्स पाई माइनस अल्फा। अगर आप 2 रखते हो स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 2 पाई प्लस अल्फा क्योंकि माइनस का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स प्लस बन जाएगा मींस ये जितने भी आंसर आ रहे हैं सारे क्या आ रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमने जो है इसको जनरल फॉर्मूला दे दिया कि भाई अगर आपके पास ये साइन अल्फा प्लस है तो आपके आंसर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में चल रहा होगा सर अगर यहाँ पर माइनस हो जाए क्या हो जाए माइनस हो जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करता है। कौन से क्वाड्रेंट मूव करता है स्टूडेंट्स थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम पहले क्या करें कुछ माइनस को पाई प्लस अल्फा की फॉर्म में लिखें तो वो क्वेश्चन आएंगे ना स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा लेकिन मेन आपको फॉर्मूला यही याद रखना स्टूडेंट्स। क्लियर सर थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थर्ड नेगेटिव वाले जो है क्वेश्चन करवाए थे तो सेम ऐसे ही यहाँ पर पूछेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव। अब करते हैं स्टूडेंट्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा cos theta is equals to cos alpha next students हमारे पास cos theta is equals to cos alpha इसके लिए हमें students general solution find out करना है students general solution find out जो हमारे पास फ्रेंड्स अभी साइन थीटा के लिए आया था स्टूडेंट्स रिजल्ट तो आप लिखवा सकते हो साइन थीटा के लिए इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा ये रिजल्ट आया था स्टूडेंट्स हमारे लिए साइन के लिए। तो नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा cos अल्फा को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0 तो ये स्टूडेंट्स जो थीटा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स c हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स d। अब स्टूडेंट्स आपको फार्मूला पता होगा cos c माइनस cos d cos c माइनस cos d का जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स ये लास्ट वाला फार्मूला था स्टूडेंट्स और इसमें c माइनस d की प्लेस पे क्या आता है स्टूडेंट्स d माइनस c तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2 ये फॉर्मूला था स्टूडेंट्स। मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको याद करने के लिए एस सी सी एस सी सी एस एस ये लास्ट में चेंज आता है स्टूडेंट्स d माइनस c। तो यहां से स्टूडेंट्स cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स 2 साइन c प्लस d बाई 2 थीटा प्लस अल्फा बाई 2 नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स साइन d माइनस c बाई 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स जो है यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले जाऊं इन दोनों में से स्टूडेंट्स मैं क्या ले जाऊं स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले जाऊं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में साइन माइनस कॉमन लेयर स्टूडेंट्स में तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स ये 2 तो फिनिश हो गया स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में 0 के साथ फिनिश हो गया साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये रीड करना साइन माइनस थीटा या जो भी एंगल है उसका नेम रख लेते हैं एंगल ए साइन माइनस ए तो जो माइनस है वो साइन से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ना एंगल तो माइनस क्या आ जाएगा ये बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स
क्लियर हो गया यहाँ से कि माइनस स्क्वायर बाहर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग थीटा माइनस अल्फा बाय टू। ये जो माइनस स्टूडेंट्स वो जीरो के साथ शिफ्ट हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि दोनों साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स फिनिश। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब फिर वही बात आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई है जीरो के इक्वल, तो आइदर फर्स्ट वन इज जीरो और सेकेंड वन इज जीरो और सेकेंड वन थीटा माइनस अल्फा बाय टू इक्वल्स टू जीरो। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है ये साइन एंगल इज इक्वल्स टू जीरो, साइन में जो भी आपके पास थीटा इज़ कर लो, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो देन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। अगर साइन की वैल्यू जीरो होती है, कौन सी वैल्यू होती है एन पाई, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एन पाई। और यहां से भी क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा माइनस अल्फा बाय टू इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आप एम पाई लेके चल सकते हो या एन पाई, दोनों सेम लेके चल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से ये जो टू मल्टीप्लाई हुआ था थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू टू एन पाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से आ जाएगा स्टूडेंट थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू टू एन पाई। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां से थीटा क्या आएगा स्टूडेंट्स टू एन पाई माइनस अल्फा, और यहां से आएगा स्टूडेंट्स टू एन पाई प्लस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो एक बार प्लस है और एक बार क्या स्टूडेंट्स माइनस, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो स्टूडेंट्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं टेन थीटा के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो टेन थीटा के लिए सॉल्यूशन, अब देखो स्टूडेंट्स इसको मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करता हूँ, एक बार क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग और एक्सप्लेन कर देते हैं, तो जितने कंसेप्ट आप बिल्ड करोगे उतना ही बेटर रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है उसके थ्री वीडियोस डाले हैं बेसिक के, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और इसको जितना आप डीपली समझोगे उतना ही बेटर रहेगा। आगे इन एवर जो भी कॉम्पिटिशन आप एग्जाम दोगे तो उसमें ये आपको हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स। थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा स्टूडेंट्स, आप ये बताओ स्टूडेंट जो कॉस होता है वो कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो एंगल स्टूडेंट जीरो टू पाई फोर पाई ये होता है स्टूडेंट्स, इवन पाई आप कह सकते हो, यहाँ पर ऑड पाई होता है स्टूडेंट्स, ये हमने पीछे ड्रॉ भी किया स्टूडेंट्स। अगर आपको स्टूडेंट्स आंसर किस में गिवन करना है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमें जो आंसर गिवन करना है स्टूडेंट्स वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन करना है, क्योंकि कॉस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स जब आंसर क्या है टू एन पाई माइनस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देना है तो मैं क्या आंसर दूंगा टू एन पाई माइनस अल्फा, फोर पाई माइनस अल्फा, ऐसे सिक्स पाई माइनस अल्फा, ऐसे चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और एक और आंसर है स्टूडेंट जीरो माइनस अल्फा, ये भी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देना है, तो फर्स्ट में आप आंसर दोगे जीरो प्लस अल्फा, टू पाई प्लस अल्फा, फोर पाई प्लस अल्फा, इस तरीके से हम जो है बढ़ते रहेंगे प्रोसीड करते रहेंगे इसी तरीके से। तो ये जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स। अब आपके पास यहाँ पर जो एन होता है स्टूडेंट्स वो इंटीजर होता है, और इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं और जीरो भी आता है स्टूडेंट्स। तो जब आप जीरो रखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रखते हो स्टूडेंट जीरो, तो जीरो रखने पे ये क्या हो जाएगा जीरो इंटू पाई, जीरो इंटू पाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो, जीरो प्लस अल्फा एंड जीरो माइनस अल्फा। तो जीरो प्लस अल्फा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जीरो माइनस अल्फा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप एन की वैल्यू वन रखते हो तो वन रखने पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा टू पाई, टू पाई प्लस अल्फा, टू पाई माइनस अल्फा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आंसर है स्टूडेंट्स, तो प्लस है तो फर्स्ट माइनस है तो फोर्थ। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स मैं इसको आप मतलब ये प्रूफ एक तरह से
इस फॉर्मूले का प्रूफ है जस्ट क्वाड्रेंट के हेल्प से। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इस तरीके से प्रूफ हो रहा है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाए माइनस हो जाए तो जो आपके आंसर आएंगे वो पाई माइनस और पाई प्लस में आएंगे स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा अगर हमारे पास एंगल है स्टूडेंट्स तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप ये बताओ टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? साइन बाय कॉस लिख सकते हो एंड नेक्स्ट वन साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई लेके चल रहे हो आप या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आए स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लेके आने पर ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू में जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी स्टेप में लिख दिया मैंने ये साइड लेके आया हूँ उसको माइनस हो गया। एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स? कॉस थीटा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस यहाँ से कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स? अब फिर कोई फॉर्म होगा स्टूडेंट्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जीरो इक्वल है तो आप ये बताओ स्टूडेंट्स क्या डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है? कभी नहीं होना स्टूडेंट्स क्योंकि अगर जीरो हो गया तो यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा तो मीन्स ये तो जीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ये पूरी कंप्लीट क्वांटिटी जीरो के इक्वल है तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब न्यूमरेटर जीरो हो। देखो स्टूडेंट्स टू बाय जीरो या जीरो बाय टू इक्वल टू जीरो लिखा मैंने कौन सा राइट है स्टूडेंट्स? ये राइट एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा मतलब न्यूमरेटर जो है जीरो होगा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये तो वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली यहाँ पर जो न्यूमरेटर पार्ट है वो जीरो हो जाएगा तो न्यूमरेटर पार्ट जीरो का स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है स्टूडेंट्स, ये एंगल बी है। रिजल्ट क्या बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन ए माइनस बी थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो एंगल है कंप्लीट इसको आप थीटा ट्रीट कर सकते हो एक तरह से, ये जो कंप्लीट एंगल है तो साइन की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होगी कि साइन की वैल्यू अगर जीरो है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी? थीटा माइनस अल्फा क्या होगा? एन पाई। थीटा माइनस अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स? एन पाई होगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालना है स्टूडेंट्स? थीटा की। देन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। तो आपको ये फॉर्मूला और याद रखना है कि इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। अब इसको वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट। देखो आपको पता होगा स्टूडेंट्स टेन जो पॉजिटिव होता है, टेन जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो लाइन स्टूडेंट जीरो टू पाई फोर पाई है, इवन पाई है, और ये स्टूडेंट जो हमारे पास है पाई थ्री पाई एंड फाइव पाई स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें जो आंसर है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में देना स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास आंसर आएंगे वो जीरो प्लस अल्फा आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने कल आपको एक तो एंटी क्लॉक वाइज बताया था और एक क्लॉक वाइज क्वाड्रेंट बताया था। तो इसमें स्टूडेंट्स क्लॉक वाइज जो क्वाड्रेंट है हमारे पास जो नेगेटिव वाले जो है वो भी इंक्लूड होंगे, वो मैं बार बार आपको ड्रॉ नहीं करके दिखा रहा हूँ,
तो वो भी आप n की वैल्यू अगर नेगेटिव रखोगे तो वो वाला क्वाड्रेंट फॉर्म में हो जाएगा जो हमारे पास क्लॉकवाइज वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ये 0 प्लस अल्फा हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, 4 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा, 5 पाई प्लस अल्फा, इस तरीके से चलता रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, ऑड नंबर्स है 1, 3, 5 और ये स्टूडेंट्स क्या है इवन नंबर्स। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स एन क्या होता है हमारे पास इंटीजर होता है, तो जब आप क्या रखते हो स्टूडेंट्स एन की वैल्यू 0 होती है तो 0 प्लस अल्फा, 0 प्लस अल्फा कौन से क्वाड्रेंट चला गया फर्स्ट में, अगर आप 1 रखते हो स्टूडेंट्स तो 1 रखते क्या है पाई प्लस अल्फा, 3 रखते क्या है स्टूडेंट्स 3 पाई प्लस अल्फा, मीन्स इवन के लिए फर्स्ट ऑड के लिए थर्ड, राइट है ना स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन की राइट है इसका मतलब हमने फॉर्मूला निकाला। तो ये इसका वैल्यूएशन है स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव होता है यहाँ पर तो आंसर क्या आते हैं सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है एनसीईआरटी जो है स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूला के बेसिस पे।